ध्यान रखने योग्य कुछ जरूरी बातें और घरेलू उपाय। नंबर एक, अगर स्याही का दाग लग जाए तो दाग वाली जगह पर नमक लगाकर रगड़ो, दाग खत्म हो जाएंगे। नंबर दो, एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगा लो, दाग दूर हो जाएंगे। नंबर तीन, अगर अचानक पेट का दर्द शुरू हो जाए तो गुनगुने पानी में काला नमक डालकर पी लिया करो, पेट के दर्द में फौरन आराम आ जाता है। नंबर चार, उबले चावलों के पानी से 7 दिन मुंह धो लो, चेहरे का सावला रंग दूध जैसा सफेद हो जाएगा और झुर्रियां और झाइयां दूर हो जाएंगी। नंबर पाँच, ज्यादा मिर्ची इस्तेमाल करने से इंसान की उम्र कम हो जाती है और जिन लोगों को बवासीर की दिक्कत हो वो मिर्ची बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। नंबर छः, अरबी लोग नाक के अंदर तेल क्यों लगाते हैं? क्योंकि नाक में तेल लगाने से चेहरे का हुस्न बढ़ता है और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। नंबर सात, एक दिन में 4 से 5 काजू का सेवन किया जा सकता है। अगर आप इससे ज़्यादा काजू का सेवन करते हैं तो यह फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। नंबर आठ, सुबह खाली पेट आम का शेक पीने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। नंबर नौ, पानी कम पीने से होठ रूखे हो जाते हैं। नंबर दस, जिनका हाजमा ठीक नहीं रहता है उनको रोजाना गन्ने का रस पीना चाहिए। नंबर ग्यारह, इसबगोल का छिलका दूध में शामिल करके पीने से दिल को ताकत मिलती है। नंबर बारह, उल्टी को रोकने के लिए सौंफ के पानी की कुल्लिया करें, उल्टी आना रुक जाएगी। नंबर तेरह, जो खीरा रोजाना खाते हैं ऐसे बंदे को सांस की बीमारी नहीं होती है। नंबर चौदह, जिन औरतों की स्किन खुश्क और रूखी हो वो नाशपाती खाया करें। नंबर पंद्रह, बगैर चीनी के नींबू पानी बनाकर पी लेने से सांस की बदबू दूर हो जाती है। नंबर सोलह, पानी में हरी इलायची उबाल कर पीने से बुखार उतर जाता है। नंबर सत्रह, रोजाना 30 मिनट चहलकदमी करने से सैकड़ों बीमारियों से निजात मिलती है। नंबर अठारह, नींबू के इस्तेमाल से याददाश्त तेज होती है और जिगर की कमजोरी से निजात मिलती है। नंबर उन्नीस, ज़्यादा प्यास लगी हो तो पानी घूट घूट कर पियो, एकदम से हरगिज ना पियो। नंबर 20, खजूर रोजाना नाश्ते में खा लो, इससे अंदरूनी कमजोरी खत्म हो जाती है। नंबर 21, बादाम का तेल हल्का सा चेहरे पर लगा लेने से सूरज की किरणों के नुकसान से बच सकते हो। नंबर 22, बदहजमी हो जाए तो दूध का सेवन ना करें। नंबर 23, दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम करना और रात के खाने के बाद कुछ देर चहलकदमी करना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नंबर 24, धूप में निकलने की वजह से चेहरे का रंग सांवला हो गया है तो अंगूर का थोड़ा सा रस चेहरे पर मल लें, जब रस सूख जाए तो चेहरे को धो लें, चेहरा साफ हो जाएगा। नंबर 25, लाल मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल मैदे को, आँखों को और दिमाग को नुकसान पहुँचाता है। नंबर 26, अगर दाएं बाजू में दर्द हो तो ये जिगर के कमजोर होने की निशानी है। नंबर 27, ज़्यादा ठंडा पानी पीने से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। नंबर 28, दांत गिरते हों या हिलते हों तो नीम की दातुन करें, दांत मजबूत हो जाएंगे। नंबर 29, पुदीने के पत्ते लेकर स्किन पर रगड़ें, स्किन नर्म और मुलायम और तारोताज़ा हो जाएगी। नंबर 30, पानी पीकर पेशाब करने से आपके गुर्दे साफ हो जाएंगे। नंबर 31, गन्ने के रस में अदरक मिलाकर पी लो, गर्मी का एहसास खत्म हो जाएगा। नंबर 32, अगर खाना खाते वक्त जुबान दांतों के नीचे आ जाए तो फौरन कोई मीठी चीज़ चख ले, इससे आराम मिलेगा। नंबर 33, पानी में नमक डालकर घर के फर्श को धोया जाए तो कीड़ों और मक्खियों से छुटकारा मिलेगा। नंबर 34, कच्चा लहसुन रोजाना खाने से दिल मजबूत रहेगा। नंबर 35,
पानी में गुलाब का अर्क मिलाकर पी लेने से चेहरा हमेशा जवान रहेगा। नंबर 36, मक्खन को ठंडा करके एक चम्मच खा लेने से शरीर को गर्मी नहीं लगेगी। नंबर 37, ज्यादा खाने वाले बंदे को बहुत जल्द बीमारियां घेर लेती हैं। नंबर 38, रोजाना चुकंदर खाने से पुरानी से पुरानी खांसी से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 39, रात के वक्त दही का इस्तेमाल करने से मैदा खराब हो जाता है। नंबर 40, भैंस के दूध में खजूर डालकर पीने से बहुत जल्दी कद लंबा हो जाएगा। नंबर 41, नींबू का सेवन लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। एक कप गुनगुने पानी में एक नींबू का रस और एक चम्मच मिश्री मिलाकर चाय की तरह सुबह पीने से लीवर से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। नंबर 42, छाये में सुखाए हुए करेले का एक चम्मच पाउडर प्रतिदिन सेवन करने से डायबिटीज में राहत मिलती है। नंबर 43, दिन में थोड़ी देर नंगे पैर चलना चाहिए और अगर आप हरी घास पर नंगे पाँव चलते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। नंबर 44, निहार मुंह रोजाना नींबू और अदरक का पानी पीने से बढ़ता हुआ पेट कम होने लगता है। नंबर 45, जो रोजाना सुबह के वक्त एक टमाटर खाते हैं उसके बाल कभी सफेद नहीं होते। नंबर 46, आम खाने के बाद ऊपर से पानी पीना ऐसा है जैसे जहर खाना, लिहाजा आम खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। नंबर 47, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि मच्छरों के गुर्दे होते हैं, जब वो आपका खून चूसते हैं तो साथ ही पेशाब भी करते हैं। नंबर 48, रोजाना पाँव के तलियों और हाथों की हथेलियों पर तेल की मालिश करके सोएं, आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। नंबर 49, एलोवेरा में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे गायब हो जाते हैं। नंबर 50, शीशे को चमकाना है तो आलू के छिलके से साफ करो, शीशा चमक जाएगा। नंबर 51, अगर आप खूबसूरत और स्मार्ट रहना चाहते हैं तो खुराक में चावलों और रोटी की मात्रा कम करके फलों की मात्रा बढ़ा दें। नंबर 52, नारियल का इस्तेमाल करने से बंदे के अंदर की कमजोरी और सुस्ती खत्म होती है। नंबर 53, जुबान सफ़ेद हो तो मुंह में छाले निकलते हैं। नंबर 54, जंग लगे लोहे पर कोको कोला की बोतल डाल दी जाए तो जंग उतर जाता है। नंबर 55, अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो सुबह खाली पेट शहद और प्याज मिलाकर खाया करें। नंबर 56, बिरयानी या पुलाव बनाने के लिए पुराने चावल का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 57, खजूर खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हाजमा बिगड़ जाता है। नंबर 58, एलर्जी का मसला होने लगे तो फौरन दही के अंदर खीरा डालकर खा लें, हर किस्म की एलर्जी से निजात मिल जाएगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।